ټایم نه سي کې د نوې ټایم نه لاګي بس موږ سره ټایم کمی ایگزام ټایم نه تا خو خپه دي بس ټایم دې زیات کې मैं हूँ ज़िशान अहमद और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम आपको अपना हॉस्टल दिखाते हैं और अपने हॉस्टल के बच्चों से मिलवाते हैं। तो चले हमारे साथ आपको हम अपना हॉस्टल दिखाते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। तो चले हमारे साथ। तो ये हमारे हॉस्टल का दूसरा मेन एंट्रेंस है और ये हमारे हॉस्टल के काका बैठे हुए हैं। अभी ये आप देख सकते हैं इस गर्मी में ये अपना ड्यूटी करते हैं। और ये हमारे हॉस्टल का टू सीटर विंग है जिसमें दो दो बंदे होते हैं। और ये तासीर साहब जिनने अभी अभी रिसेंटली जिसने रिसेंटली अभी शादी भी की है। थैंक यू। तो चले हम आपका अपना ये हमारे हॉस्टल का मेन व्यू है, आप देख सकते हैं। इधर हमें अखबार लगते हैं सुबह, इधर इंग्लिश का होता है जो बंदे इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं। अभी तो टाइम मगरिब का है तो अभी तो नहीं है। और इधर हमारे पास उर्दू का अखबार लगता है। और ये हमारे हॉस्टल का टेलीफोन का सिस्टम है, इस पर तो कॉल उस साइड से आ सकता है लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कॉल नहीं कर सकते किसी को। और ये हमारा हॉस्टल है, आप ये देख सकते हैं। इधर हम ये हमारा सेकंड ईयर का विंग और ये हमारे फर्स्ट ईयर का विंग। तो ये जो रूम आपको नज़र आ रहा है ये 6 सीटर है जिसमें 6-6 बंदे होते हैं। और ये भी मेरठ पर मिलता है इस्लामिक कॉलेज में, आप ये देख सकते हैं। तो ये बंदा पता नहीं किसके साथ अभी बात कर रहा है लेकिन मुझे तो सिर्फ जूम करना पड़ गया। तो ये हमारा हॉस्टल है और ये इसको हम 0 पॉइंट बोलते हैं। इधर सारे बंदे बैठते स्टडी भी करते, कभी कभी यासर के वक्त चाय पीते लोग। और ये हमारा हॉस्टल, मामून ये हमारे हॉस्टल के सीनियर प्रैक्टर हैं। मामून आप हॉस्टल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि आपने ये 2 साल हॉस्टल में किस तरह गुजारे, बम वगैरह ब्लास्ट किए इस 2 साल में कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम। 2 साल हमने यहाँ गुजारे हैं ट्राइबल हॉस्टल में। हम जब पहले दिन आए थे तो प्रोफ साहब जो एज़ यूजल वो बयान करते हैं यहाँ पर, और वो अपना सारा वो किस्सा बयान करते हैं कि मुझे अपना पहला दिन याद है, और इसी तरह सबको बताते। फिर उसके बाद हमारा जो फर्स्ट ईयर था वो तो बहुत सख्त गुजरा था ना, जब मॉनिटर जाते हैं और कहते हैं कि मोबाइल भी अलाउड नहीं है और इस तरह, और सब कुछ जेल बन जाता है। पहले 2 माह तो बहुत जेल की तरह गुजरे। फिर उसके बाद हमने सेकंड ईयर में यहाँ पर दोबारा एडमिशन ली, फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं सीनियर मॉनिटर बन गया। और हमारे जो है ना तो फर्स्ट ईयर बहुत सख्त गुजरा था, वो बम वगैरह ब्लास्ट किए थे क़ारी ज़िशान ने, और सेकंड ईयर में तो उस तरह हम सेकंड ईयर बहुत अच्छा गुजरा यार, बहुत अच्छा, बहुत हिस्टोरिकल। और हमारे ज़िशान भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को दबाएं और आटा नहीं बोले उठा के हुई। आप ज़िशान अहमद के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सर दिवाली गंजे कड़े यार बस ऋषान भाई दा टाइम नहीं कने एग्जाम टाइम बस मी सर कटवी यार सड़े उड़े भी उदी टाइम ने से कि दनो टाइम ना लागी बस मी सर टाइम के मी एग्जाम टाइम ने तो खपत दे बस टाइम दे ज्यादा मुंगे को सता सबल चले दे कटा कड़े ना ना गता बल मकसद गत खपल अपनी गत खपल पालका चरतरवाने अलका
او کار دې سونه کړی دې کار مې بس شیز مې ختم کړی شیز دې ختم کړی او لکس وای چینل بارا کی کنه وړا چینل سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر کړئ او خپل مرګرو ته وای چې دا لایک قاری شپ ډیر مهنتی انسان دې تاسو ته ډیر انفارمیشن ملایي چې در په دې نه نه دا یې پکېرا و نه لیسیه ته مسلمان هم نه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بچا کر اس دنیا کے طور طریقے کو سنت کو احکامات ادا ہو سکتا صحیح بھی ہم صحیح تھے ہاں بس وہ طلاب کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں طلاب کچھ کہنا چاہیں گے منگا وہ چی ولی خان تھا ووٹ پڑ کے ایمل ولی تھا اب دے دیں گے اچھا تو قاری ذیشان इस हॉस्टल के मनाजिर देखते हैं और ये हमारे साथ हमजा भाई भी हमारे साथ नए बंदे ने ज्वाइन किया अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई क्या हाल है स्टडी किस तरह जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है बहुत अच्छी जा रही है ये हमारा भाई है ज़ीशान और आप सब ये हमारे लिए इस तरह कंटेंट लाता रहा जिससे आप सब मुस्तफीद हो सके तो काइंडली प्लीज आप ये वीडियो लाइक करें और इसका चैनल सब्सक्राइब करें टेले वाला उठाएंगे भाई अभी हम आपको दो बंदों से मिलवाते हैं तो चले हम दरवाजे को नाक करते हैं और ये है सफीर सफीर कार मार दे संग रवान दे यार बस गुजारा करे और आप कुछ बोलना चाहेंगे चैनल के बारे में बस ये बोलना चाहूँगा कि आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक थोड़ा लेट है मगर इसको एक्सेप्ट करें और ज़ीशान अहमद के चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें इस पर कमेंट भी भेजें ताकि वो इतना मेहनत करता है कि उसका फल उसे मिल जाए ना ना दाव को रही ये देखे ये बुनियर से और ये दूसरा वजीरिस्तान से कुछ बोलना चाहेंगे आप भाई बस ज़ीशान भाई का वो चैनल लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब और ये इमरान खान का बहुत जबरदस्त सपोर्टर है और ये असीम से चैनल लाइक करें सब्सक्राइब भी करें और टले वाला टांगा है हां जी राजी आज नासर भाई का और ये हमारे हॉस्टल का सदर है द ब्रांड द किंग तलापति 67 सदर से बड़े 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 हॉस्टल की जिदा मार रहे होते थे बारह किस है बदा हो सुए मार दा हो अल्लाह मशरन सलमान शाह भाई का माशूम और उर्दू में बात कीजिए यार शर्मीले सदर सलमान शाह से तासो को दशपी 12 बजे की मार न परे दे दा टाइम की यार बस टीवी नता समारान संग इज्जत से तेरा मारान दी रही नहीं हां जे नहीं न मदानो रही नहीं दा गदे दा नसीर दे او اسے مودی ہڈی ہاں تا تا سمار لی دے لگنا ہاں لا بس کا کرنا بڑا خبر ہے تو دو خبر ہے پکی ہوگا نا دا صدر صاحب دے صدر صاحب پترا مہا مخ جی آو دا صدر صاحب دے زمونگا ہاسٹل جی او دا صدر صاحب کا پکار وا چہرا دلتا مار گرزی نو دا پہ گرزی مار پسے ہیں سلمان شاہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے پیچھے نہیں ہیں बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये जो मेरा प्यारा भाई है ज़ीशान हाफिज़ ये बहुत मेहनत कर रहा है इसके चैनल को सब्सक्राइब करो बेल लाइक क्या दबाओ बेल आइकन को दबाओ और टोक दो उसको ये अभी सारे बंदे स्टडी कर रहे हैं अभी हमारा एग्जाम आने वाला है तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि हम इतनी मेहनत करते आपके लिए वीडियो बनाते हैं ये बंदा आप देख सकते हैं जुनेदा सके सके सही याद है कुछ गजल पढ़ रहे हैं हाँ भैया गजल क्यों आशिक तो नहीं है नहीं आशिक तो नहीं है लेकिन अभी अभी मार्क्स के लिए पेपर की तैयारी भी करनी है ना और ये थोड़े इंटरेस्टिंग भी होते हैं हाँ हाँ और दूसरी बात अल्लामा इकबाल का गजल है तो ये इस हकीकी का आशिक है ये और ईद किस तरह गुजरी ईद तो माशाल्लाह अच्छी गुजरी जबरदस्त और चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे इंशाल्लाह ताला आपकी मेहनत रंग लाएगी इंशाल्लाह और इस तरह कुछ अच्छे और भी अच्छा कंटेंट करने की कोशिश करो और आप इंशाल्लाह ताला और भी तरक्की कर सकोगे और जो लोग इनके चैनल को देखते हैं उनको लाइक करना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग हमारी खिदमत करते हैं आगे जाके अस्सलाम वालेकुम आपकी गंदगी की नामे छोड़ी थी कि एक जो मैंने फेस के किया और अभी चुपके उसका हमीद साहब तो उसका स्टार्ट है
तो अभी एक छुपे मतलब पाकिस्तान का स्टार्ट है, तो हम एक एक कर सकते हैं आसानी से। हाँ मैम, मैं भी यही सोच रहा था, बस पेपर्स के दौरान थोड़ा भी इसके स्टडी क्या करने हैं, पहले ज़रा नहीं हुआ ना, तो शेड्यूल बनाते हैं कुछ एक साथ स्टडी करते हैं ताकि काम सही चल जाए। तो हम बस हमारे लिए दुआ किया करें ना यार, हम दुआ करेंगे आप स्टडी भी करें, व्यूअर्स को भी कहते हैं हमारे लिए दुआ करो। अब हम व्यूअर्स में से कुछ ऐसे भी हमारे भाई होंगे जिनके उनके भी पेपर्स होंगे, तो हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप हमारे लिए दुआ करें। और इस बंदे ने सर भी गंजा इसी वजह से किया है क्योंकि ज्यादा जमा हो, ज्यादा दिमाग में बालों की वजह ज्यादा पढ़ाई जमा हो। और ये हमारे हॉस्टल के बहुत जबरदस्त अमीर साहब है, और ये स्टडी अच्छी करता है, बहुत अच्छी स्टडी, ये आप देख सकते हैं कि इसका इतना वो, और ये भी उसका रूममेट है माजिद, क्या ले स्टडी किस तरह है? और ये मेरे से लाए रूम से, और अभी तक इधर पड़ा है आप देख सकते हैं। नहीं साफ है, साफ साफ तो है लेकिन अभी अभी सब संगे खैर शुक्र है ठीक ठाक। स्टडी बॉडी दिखड़े तक ना अल्लाह करम दिस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम दिस स्टडी करे रहा और दा सब सब्सक्राइब देके टले वाला वो टंगो टले ना ना टले वाला मत टंगो है। हां जब लगे पूरा छ समय सब्सक्राइब किया ना खबर लगे छ मुंगले हो दिमाग रखा था। ये भी सारे बंदे अभी घर से आ रहे हैं क्योंकि हॉस्टल का तीसरा दिन है, और ज़िशान चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर जितास्ता द हर ये न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पॉप मिलाएगी देर मेरा बानी जज़ाक कर नारे 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 ओबेद करी सिप संगे खैर देते संगे सुर की कम खातले भी सकी दयाल के इलाज जुड़े बस दा होस तकरीबन पूरा क्या हुआ है उस मुकाबला फंड देखने को कम करा दो टीम के करी से मेहनत तो मेहनत इंशाल्लाह तो बहुत ही तरह कम खातले वाला का मुतली वजह से बोर्ड बाजार पूरे से देखा हुआ है पहला मुसामान रहो बाजार का नाम तरह रोड दिल्ला मुसामान रहो माल की सर बस स्टैंड में एंड और सब बर्गर बोला दे वो सर रोड तब वो बात ट्यूटी पर जोड़ेंगे बस मेहनत जारी ना रहा ये जो दो बंदे आपको नजर आते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टडी भी करते है, काम भी करते है, नमाज भी वक्त पर पढ़ते है। वेल खान क्या हाल है? बस अल्लाह का शुक्र है भाई जी, हम तो मेहनत करते हैं यार लेकिन मेहनत का कुछ सिला नहीं मिलता यार। क्यों? लोग वहाँ रोकड़ा दे के मार्क्स और कम निकलवाते हैं, हमारा मेहनत के बावजूद भी मार्क्स नहीं आते हैं, क्या करें, इसका तो कुछ फायदा नहीं है। और ये बात इसने सवा ने सही की है, मैं खुद इस बात का कहूँ, हमने 14-14 घंटे स्टडी किए और हमने इधर हॉस्टल में इतने बंदे देखे कि उन लोगों ने रोकड़ा चला कर नंबर। ये हमारे फर्स्ट ईयर विंग और इसमें ये फर्स्ट ईयर वाले रहते हैं क्योंकि ये हमारा तो सेकंड घर है भाई। संगर का खैर स्टडी संगर वाना था अल्हम्दुलिल्लाह खाला खैर दे नूर खैर दे तखई बिल्कुल तो है पर जो तैयारी करना इंशाल्लाह बस तैयार तैयार यार गुजार दे तरवा मुबारक सिकड़ी मुदी का मुदी कड़ी कुजो मुबारक संग से शान भाई संग ही रुना दे कना वाले तो कई कम करवाने अलग को बस मुहम्मदान दे लगे आ दे नो मजे तरवा दियो आज शान भाई जवर जवे जब जम द बस इधर रवाने मा खा दर अलम दर हम एक दूसरे रूम को नॉक करते कि क्या होता है। तो ये बंदा सनान सनान संग ही स्टडी किस तरह जा रही है? बस स्टडी के डेज है और अच्छी तरह जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कितना कोर्स किया है? अबाउट 80% 70% इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कितने मार्क्स का इरादा है आपका? यार मार्क्स तो उम्मीद है कि अच्छे आ जाए क्योंकि फर्स्ट ईयर में इतने अच्छे नहीं थे तो वो उम्मीद करते कि 5-10 प्लस आ जाए तो इंशाल्लाह। और ये हमारे 3 सीटर रूम होता है अभी तो इसमें बंदे नहीं है, सिर्फ ये बंदा आया है, तो
तो ये हमारे थोड़े से ख़राब भी है क्योंकि इस्लामिक कॉलेज तो पुराना है और हमारे हॉस्टल के भी तकरीबन 70 साल से ऊपर हुए, तो ये आप देख सकते हैं। ये मेरा रूम है लेकिन अभी क्योंकि पेपर के दिन है तो स्टडी इतनी बस कर रहे हैं तो इसकी वजह से ये थोड़ा ख़राब पड़ा है। आप देख सकते हैं ये सारे बुक्स और ये सेकंड ईयर की अर्गिन केमिस्ट्री, ये रिएक्शन सारे। और ये मेरा रूममेट अवैस है लेकिन वो इंशाल्लाह कल आएगा मंडे को, तो अभी नहीं है, उसको मिस करते हैं लेकिन क्या करें। मैं तो चाह रहा था कि वो भी व्लॉग में आए लेकिन अभी है नहीं है, तो बस अब मैं खुद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उनकी आदत बन गई है, वो सब वो खा लेते हैं उठते हैं बस मोबाइल। उनकी 5 महीने ना कभी एक ने पकड़ा था इस तरह, कभी दूसरी ने, कभी तीसरी ने, कभी चौथी ने। वो पांच सिस्टम ने ना देखो चारों की खैरियत है, घर से आ गए और स्टडी किस तरह है? बस अच्छा है, अभी यहाँ पर ज्यादा करेंगे क्योंकि एग्जाम को 1 महीना बाकी है। मुझे पहले नंबर, हाँ ये समीर साहब का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और लाइक भी दें। और ये बंदा अभी आया है, नहीं तुम्हारे अंदर का नहीं, ये घर से खफा है यार, इसको घर से निकाल दिया गया है। अभी इससे सारे फर्स्ट ईयर वाले फिर तंग होंगे यार, ये फर्स्ट ईयर के बच्चे यार तुम यार ये अच्छा नहीं है क्या? सलाम कुम कटवा। हां सलाम अलैकुम। व्लॉगिंग चालू है? हां हां शुरू है, इसे व्लॉगिंग चालू है। संग गई घर से निकाल दिया गया? हां नहीं, बस कहते हैं घर से जाओ। खैर से पहुंच गए? हां बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी सुनाओ खैरियत, रमजान किस तरह गुजर गई? रमजान भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर गया। और ईद मिल गई है कि नहीं? ईद तो अच्छा तुमने बड़ी भेजी है ना जैसे। अच्छा अच्छा ये लंबे लंबे वैसे नहीं आते हां, क्या बड़ा सरप्राइज कर। ये हमारा सेकंड ईयर विंग और इसमें 2 सीटर्स हैं जिसमें 2-2 बंदे होते हैं, ये भी मेरठ पर मिलता है। तो ये हमारा विंग है, तो मैं इस व्लॉग को इधर एंड करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। फिर इंशाल्लाह आपके साथ किसी नई व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।